इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स केवल और केवल तब एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन बनवा रहे हो। हमने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे बात करी थी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ऐसा होता है, ऐसी कई जनरल वैल्यूज है, ऐसे कई जनरल एंगल्स है जिसपे उसकी जो वैल्यूज आती है वो सेम आती है, मतलब जो हमको रेंज मिलती है, मतलब जब हम डोमेन की वैल्यू यूज करते हैं तो हमको हर बार वो वैल्यू कैसी मिलती चले जाती है, सेम मिलती चले जाती है। और मैंने तुमको बताया था कि अगर ऐसी कंडीशन होती है तो फंक्शन क्या होता है, मिनी टू वन प्रॉब्लम में फंस जाता है। और मिनी टू वन प्रॉब्लम में फंसता है तो वो फंक्शन तो होता है लेकिन वो वन वन नहीं होता। तो मैं एक बार और यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने उस समय साइन एक्स करके एक फंक्शन लिया था और मैंने साइन के रियल वैल्यूज में से कुछ एंगल लिए थे, जैसे मैंने जीरो लिया साइन के एंगल के, एक्स की वैल्यू मैंने जीरो ली तो मेरे को वाई की वैल्यू कितनी मिलेगी, जीरो मिलेगी। अगर मैं पाई यूज करता हूं, अगर मैं वैल्यू कितनी यूज करता हूँ, पाई यूज करता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे पाई वैल्यू पुट अप करता हूँ तब भी मेरे को आंसर कितना मिलता है, जीरो मिलता है। और अगर मैं टू पाई यूज करता हूँ और अगर मैं इस टू पाई को मैं यहाँ पुट अप करता हूँ तब भी मुझे आंसर कितना मिलता है, जीरो मिलता है। इसका मतलब यह हुआ कि ये फंक्शन क्या हो गया, मिनी टू वन। हमको इसी फंक्शन को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है मिनी टू वन वाली, इस प्रॉब्लम को खत्म करना पड़ेगा। अब उस प्रॉब्लम को हम खत्म कैसे करेंगे, उस चीज को हमको यहाँ पे चेक करना है। एक्चुअली मैम ये प्रॉब्लम ही है, अगर हमको इनवर्स एग्जिस्ट करना है तो फंक्शन को वन वन एंड टू बनाना पड़ेगा तभी वो उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर पाएगा। जैसे कि वन वन एंड टू बनाने के लिए मैंने तुमको बोला था वन वन का हो सकता है जब डिफरेंट वैल्यूज है डिफरेंट इमेज, और किसी भी चीज का इनवर्स बताना तो जैसे मैंने तुमको बोला था कि फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू वाई, कहां से कहां डिफाइन कर रहा है फंक्शन, एक्स से वाई में डिफाइन कर रहा है, एक्स डोमेन होता था वाई रेंज होती थी। और अगर तुम इसका इनवर्स निकालने जाओगे तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, जो पहले रेंज का काम कर रहा था, कोडोमेन का काम कर रहा था, रेंज का काम कर रहा था, वो अब डोमेन का काम करेगा। जब तुम इनवर्स निकालने जाओगे वो चीज क्या बन जाएगी, तुम्हारी डोमेन बन जाएगी, और जो तुम्हारा डोमेन था वो क्या बन जाएगा, वो रेंज बन जाएगी। मतलब कुछ भी नहीं करना है, जो पहले डोमेन बन रहा था वो अब रेंज बनेगी और जो रेंज थी वो अब डोमेन बन जाएगा, ये चेंज हो जाता। तो इसीलिए मैंने तुमको उस समय जब पहले समझाया था उस समय मैंने तुमको बोला था कि अगर डिफरेंट वैल्यू से डिफरेंट इमेज, अगर कोई भी वैल्यू हम डोमेन की ले रहे हैं और उसकी इमेज अगर वाई में एग्जिस्ट करती है तो अगर हम वाई की वैल्यू लेकर चले तो उसकी प्री इमेज एक्स में एग्जिस्ट करना चाहिए तभी फंक्शन वन वन एंड टू होता। तो हम यहाँ पे आज जो भी टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हम केवल और केवल ये डिस्कस करेंगे कि फंक्शंस में ये जैसे साइन कोस टेन कोसेक जो भी है, इसमें हमने देखा कि बहुत सारे जनरल वैल्यूज ऐसी हैं जिसको हम लेते हैं डोमेन में तो उसकी हमको हर बार जो इमेज मिलती है वो सेम मिलती है, जिसकी वजह से वो फंक्शन किस में फंस जाता है, मेनी टू वन प्रॉब्लम में फंस जाता है। और उस मेनी टू वन प्रॉब्लम को अगर हमको खत्म करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ ट्रिक्स लगाना पड़ेगी जिसको कि हम यहाँ पे उस ट्रिक्स लगा के हम ऐसी कुछ एक ब्रांच फाइंड आउट करेंगे जिसको कि हम यहाँ पे प्रिंसिपल ब्रांच बोलेंगे, वो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखते हैं करना क्या, हम पहले सबसे पहले आज मैं साइन और कोस के ग्राफ बताऊंगा तुम्हें। सबसे पहले हम साइन को डिस्कस करते हैं, तो वाई इक्वल टू हमारा क्या होता है, साइन एक्स होगा। और अगर हम साइन का ग्राफ बना रहे हैं तो ये वाई एक्सिस होगी या हमारी एक्स एक्सिस होगी, ये हमारी एक्स एक्सिस होगी। यहां पे मैंने जीरो लिया, यहां लिया मैंने पाई बाय टू, यहां लिया पाई, यहां लिया मैंने थ्री पाई बाय टू, और ये लिया मैंने टू। इससे मैंने यहां पे लिया माइनस पाई बाय टू, यहां लिया माइनस पाई, यहां लिया मैंने माइनस थ्री पाई बाय टू एंड माइनस टू। ठीक है, अगर मैं साइन जीरो लेता हूं तो साइन जीरो की वैल्यू हमारे पास आती है जीरो। ठीक है,
तो मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, ये वन हुआ हमारा प्लस वन और माइनस वन। हमको ये भी पता है साइन की वैल्यू हमेशा प्लस वन और माइनस वन के बीच में लाइज करती है। अगर मैं साइन की पाई बाई टू वैल्यू लेता हूँ, 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। मैं यहाँ पे 9 लिख देता हूँ, इसको मेंशन ना करना पड़े। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो ये 1 हो गया। फिर साइन पाई की वैल्यू होती है 0, तो ये हो गया। तो ये हमारा ग्राफ हिसाब कुछ इस तरह से बनेगा। फिर 3 पाई बाई टू, साइन 3 पाई बाई टू की वैल्यू होती है माइनस वन, तो ये माइनस वन होती है। तो ये हमारा ग्राफ इस तरह से बनेगा। ऐसे ही साइन माइनस पाई बाई टू की वैल्यू जो होती है माइनस वन होती है। तो ये हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बना है। फिर हमारी 3 पाई बाई टू की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। तो ये 1 से तो इस तरह से हमारा जो साइन का ग्राफ बनता था वो इस तरह से बनता था। और तुम यहां पे देखो हमारी वैल्यू कहां कहां पे बन आई है, पाई बाई टू पे बन आ रही है, माइनस 3 पाई बाई टू पे बन आ रही है। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो हमारा ये फंक्शन है ये इस प्रॉब्लम में फंस रहा है, मेनी टू वन प्रॉब्लम में फंस रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ये फंक्शन जो है वन वन नहीं हो सकता। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जब इसको हमको मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बनाना है, तो हमको मैंने क्या बोला था तुमको कि ये जो y है या फिर x का काम करने लग जाएगा, जो x है वो y का काम करने लग जाएगा, और इस तरह से हमको कुछ नया व्यू मिलेगा। जैसे हम बनाते हैं साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाते हैं, तो साइन इनवर्स x के लिए तुमको क्या ध्यान रखना है कि ये हमारा वाई हुआ, ये एक्स हुआ, मैंने काम वैसे ही कर रहा हूं। यहाँ पे जीरो लिखा, यहाँ पे पाई बाई टू, यहाँ पे पाई, यहाँ पे लिखा 3 पाई बाई टू, यहाँ पे लिखा मैंने 2 पाई, ऐसे माइनस टू माइनस पाई बाई टू, पाई माइनस माइनस 3 पाई बाई टू एंड माइनस 2 पाई। ठीक है, ये 1 का और प्लस का और ये माइनस का 1, मैंने यहाँ से फिर अगर डॉटेड लाइन प्लॉट कर ली ताकि मेरे को बार बार 1 और प्लस 1 पे कॉन्सेंट्रेट ना करना पड़े। अब देखो बात तो ये है, ये ग्राफ कुछ भी नहीं होगा, थोड़ा सा इसे घूम जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, पहले तो वही ग्राफ बना लेते हैं साइन इनवर्स के एक्स के लिए। तो हमको कुछ भी नहीं करना, हमने प्लस वन वैल्यू ली, साइन जीरो की वैल्यू, अगर साइन जीरो जीरो यहां पे होता है, पाई बाई टू पे वन होता है ना, वन होता है तब कितना एंगल होता है, वाई की वैल्यू कितनी होती है पाई बाई टू। ठीक है, हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, फिर पाई पे जीरो होता है तब एंगल पाई होता है, फिर इस पे कुछ इस तरह से जाएगा। माइनस 3 पाई बाई टू पे ये होता है जीरो, माइनस वन सॉरी, तो ये हो गया हमारा ऐसे ही माइनस पाई बाई टू पे माइनस वन, तो ये माइनस वन। कुछ भी नहीं करा मैंने, इस ग्राफ को थोड़ा सा रोटेट कर दिया। ठीक है, माइनस 3 पाई बाई टू पे, और इस तरह से हमारा ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब यहां पे हमको कुछ ऐसा एंगल ढूंढना है जिसमें साइन की मतलब ऐसा रेंज ढूंढना है जिसमें साइन की सारी वैल्यू एग्जिस्ट कर जाए, मतलब माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में हम सारी वैल्यू कवर हो जाती है। मतलब हमारा डोमेन अब क्या बनेगा, यहाँ पे डोमेन बनेगा माइनस वन से प्लस वन, ये सारी वैल्यू आना चाहिए, और ये बनेगी हमारी प्रिंसिपल ब्रांच। ये क्या बनेगी, हमारी प्रिंसिपल ब्रांच बनेगी। ऐसा क्यों, इसी को प्रिंसिपल ब्रांच क्यों होगी, क्योंकि मैंने तुमको पहले ही बोल दिया था कि साइन की वैल्यू माइनस वन और प्लस वन के बीच में लाइज करती है। तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच के मैं सारी बार अगर तो मतलब माइनस वन और प्लस वन के बीच में मैं कोई भी वैल्यू लेता हूं तो मेरे जो भी एंगल आएंगे वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में आएगा। पहली बात तो ये होगी, इसमें हमको सारे वैल्यूज मिल जाती है। ऐसा जरूरी नहीं है, एक्चुअली हमने इसको इंटरनेशनल लेवल पे इसको प्रिंसिपल ब्रांच कंसिडर करके रखा हुआ है। ऐसा जरूरी नहीं है, तुम चाहो तो ये भी ले सकते हो, ये भाई यहां से लेकर माइनस पाई बाई टू से लेकर 3 पाई बाई टू के बीच में भी सारी वैल्यूज कवर हो जाती है। ऐसे आगे भी बढ़ जाएगा, इधर भी तुम चाहो तो ये भी ले सकते हो,
माइनस पाई बाई टू से लेकर थ्री पाई बाई टू माइनस थ्री पाई बाई टू ये भी आ सकता है, लेकिन हमने इंटरनेशनल लेवल पे क्या कंसिडर करके रखा हुआ, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। अगर वो तुम्हें इस रेंज में अगर काम करवाना चाहेगा माइनस पाई बाई टू से माइनस थ्री पाई बाई टू के बीच में, तो वो तुमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में मेंशन करके देगा। और यहाँ पे भी अगर वो तुमको मतलब उसे क्वेश्चन दे रहा कि मतलब तुमको इसमें इस रेंज में सॉल्व करना है पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू के बीच में, तो वो तुमको प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल ब्रांच की बजाय ये मेंशन करके दे देगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अदरवाइज अगर कुछ भी नहीं लिखा क्वेश्चन में तो वो हमारे से किस लेवल पे बात कर रहा है, इस प्रिंसिपल ब्रांच पे बात कर रहा है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में बात कर रहा है। तो हम अगर साइन के लिए तो हमारी रेंज क्या होगी, डोमेन होगा, डोमेन क्या होगा माइनस वन प्लस वन, और रेंज क्या होगी हमारी माइनस पाई बाई टू से, सॉरी मैं इसको फिर से लिख देता हूं, साइन इनवर्स के लिए लिख रहा हूं। तो मैंने देखो वो प्रॉब्लम खत्म होगी, अब माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी, ठीक है, एक एक बार सारी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में एक एक करके हम सारी वैल्यूज कवर कर लेंगे। तो ये तो हमारा वो डोमेन है जो एक्स एक्सिस पे होता है, वो तो हमारा डोमेन होता है, और इसमें ये वाले जो प्रिंसिपल ब्रांच है इसके बाद में प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन और उसके बीच में जितने नंबर आते हैं वो सारे के सारे रिपीटेड होते हैं। तो मैंने वो वाली चेन भी हटा दी, इधर से नीचे माइनस पाई बाई टू के बाद की जो चेन है वो भी हटा दी, और जो एक मैंने प्रिंसिपल ब्रांच कंसिडर करी, मतलब एक ऐसा फंक्शन बना लिया जो कि वन वन है एंड टू भी है, क्योंकि डिफरेंट वैल्यूज है डिफरेंट टाइम है, और उसके प्री इमेज दूसरे वाले में एग्जिस्ट करती है, इसलिए ये फंक्शन वन वन एंड टू हो। तो ये हमारा डोमेन हो गया, ये हमारी रेंज हो गई, ठीक है। तो ये हमारा साइन फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया, तुम चाहो तो नोट कर सकते हो। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कॉस एक्स, और हमको पता है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वन वन एंड टू नहीं होता है, मेनी टू वन हो सकता है लेकिन वन वन नहीं होता। हम उस मेनी टू वन में कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाकर उसको वन वन और एंड टू बनाएंगे, देखो किससे बनाते हैं। यह हमारा फंक्शन, ठीक है, इसका ग्राफ बनाना, ये प्लस वन लिखा, ये माइनस वन लिखा वाई एक्सिस पे, ये जीरो हुआ, ये तुम्हारा पाई बाई टू हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा पाई, ये हो जाएगा तुम्हारा थ्री पाई बाई टू, ये हो जाएगा टू पाई, और ये हो जाएगा एक्स माइनस पाई बाई टू माइनस पाई माइनस थ्री पाई बाई टू माइनस, देखो कोस जीरो की वैल्यू वन होती है, पाई बाई टू की वैल्यू जीरो होती है, कोस पाई बाई टू जीरो, कोस माइनस पाई बाई टू भी जीरो होता है, तो मेरा ग्राफ जो है वो इस तरह से बनेगा। कोस पाई की वैल्यू माइनस वन होती है, तो ये इस तरह से इसे नीचे जाएगा, और थ्री पाई बाई टू की वैल्यू फिर जीरो होती है, टू पाई की वैल्यू वन होती है, तो ये ग्राफ हमारा इस तरह से ऐसे उधर कंटिन्यू करते चला जाएगा। फिर माइनस पाई की वैल्यू जो होती है वो माइनस वन होती है, थ्री माइनस थ्री पाई बाई टू की वैल्यू जीरो होती है, और माइनस टू पाई बाई टू की वैल्यू माइनस टू पाई की वैल्यू प्लस वन होती है। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बना। मैं तुम्हें बोल चुका हूं कि जब हम कोस का इनवर्स निकालने जा रहे हैं निकालते हैं, तो जो हमारा एक्स एक्सिस होता है वो वाई का काम करने लग जाता है, और जो वाई है वो हमारा एक्स का काम करने लग जाता है। तो कुछ इस तरह से हमारा ग्राफ बनता है जब हम कोस इनवर्स एक्स के लिए ग्राफ निकालते हैं। तो इससे मेरे एक बात को ध्यान रखना कि मैंने तुम्हें क्यों ये बोला था कि
ये लिमिट टू वन क्यों होता है? देखो जीरो पे भी वन आ रही है, टू पाई पे भी वन आ रही है, और इससे हम आगे और बढ़ेंगे तो हमको वन वैल्यू मिलेगी। ऐसे ही पाई बाई टू पे जीरो आ रही है, थ्री पाई बाई टू पे जीरो आ रही है, और आगे भी जब पाई बाई टू का जब मल्टीप्लाई होगा तो भी जीरो आएगी, इधर भी जीरो आएगी। मतलब हमारे पास ये वन जो है, ये पाई और ये जो जीरो है, जीरो से पाई के बीच में हमको सब अलग अलग वैल्यूज मिलती है, यहाँ पे सब अलग अलग वैल्यूज मिलती है, लेकिन पाई के बाद से वो वैल्यूज वापिस रिपीट होना चालू हो जाए। फिर टू पाई से आगे हम जैसे आगे बढ़ेंगे, हमको वो वापिस रिपीटेशन जो वैल्यू हमको जीरो से पाई के बीच में मिल रही है, वही वैल्यू पाई से टू पाई के बीच में मिल रही है। मतलब ये रिपीटेशन बार बार चलते रहता है। तो इस रिपीटेशन को हम रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे और एक प्रिंसिपल ब्रांच फाइंड आउट कर लेंगे। उस प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर ये फंक्शन जो है cos x, ये 1 1 भी होता है और 1 2 भी होता है, तो हम वही करने जा रहे हैं। तो देखो ठीक है, जैसा कि मैंने बोला कि जो हमारा y एक्सिस है वो हमारा x का काम करेगा, तो ये प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। और जो मैंने एक्स एक्सिस पे लिखे थे नंबर, वो मैंने वाई एक्सिस पे लिख दिए हैं, माइनस पाई माइनस थ्री पाई बाई टू और माइनस टू। तो अगर मैं वन लेता हूं तो मेरे को जीरो मिलता, इनवर्स का मतलब तो यही होता है। जैसे मैंने क्या बोला था, हमारे यहाँ पे पाई बाई टू और वन हो रही थी, अब जब हम इनवर्स लेंगे उल्टा हो जाएगा, ये वन पाई बाई टू, ठीक है। जब जीरो लिया था तो हमको आंसर वन मिला था, और इसका इन्वर्स करेंगे तो वन कॉमा जीरो। ऐसे जब हमने पाई बाई टू लिया था तो हमको आंसर कितना मिला था, जीरो मिला था, और इसका इन्वर्स करेंगे तो जीरो से पाई बाई टू हो जाएगा उल्टा। तो ये तो बात है। अब मैंने क्या बोला, जब मैं वन वैल्यू लूंगा तो मुझे जीरो मिलेगा, तो वाई का जीरो एक्स का वन, तो ये हो गया हमारा एक पॉइंट। पाई बाई टू लूंगा तो जीरो मिलेगा, तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बना। पाई पे फिर जीरो, टू पाई पे वन, ऐसे माइनस पाई पे माइनस वन, ठीक है, और टू पाई पे प्लस माइनस टू पाई पे। तो इस तरह से ये ग्राफ बनेगा। अब मैंने तुम्हें बोला था कि जीरो से पाई, अगर मैं माइनस वन से प्लस वन के बीच में मैं कोई भी नंबर लेता हूं तो मेरी जो वैल्यू है वो जीरो से पाई के बीच में राइज करी, एंड जीरो पाई इंक्लूडेड। तो मैं कोस इनवर्स फंक्शन को कैसे लिख सकता हूं, मेरा डोमेन बनेगा माइनस वन प्लस वन टू जीरो से पाई। तो मैंने इसको प्रिंसिपल ब्रांच कंसिडर कर लिया, ये जो ब्रांच है इसको मैंने प्रिंसिपल ब्रांच कंसिडर कर लिया। इसके बाद मैं पाई से टू पाई तक जाता हूं, पाई से टू पाई तक जाता हूं, तो ये जो माइनस वन और प्लस वन के बीच की वैल्यूज है अगर मैं लेता हूं तो ये वैल्यू जीरो से पाई के बीच वाले जो वैल्यूज है और ये जो माइनस वन से प्लस वन के बीच में जो वैल्यूज है, ये जो लेता हूं ये सारी रिपीटेड होकर लग जाती है। तो मैंने एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, जो यहां से पाई से लेकर ऊपर जो भी एंगल होगा, या पाई बाई टू से सॉरी जीरो से पाई तक जो आ रहा है, पाई से टू पाई तक सेम वैल्यूज आएगी। ऐसे इधर भी तो मैंने इन फंक्शन का रेस्ट्रिक्शन लगा दिया और उनको एलिमिनेट कर दिया, तो माइनस वन से प्लस वन को ये हमारा डोमेन बन गया, क्योंकि कोस की वैल्यू हमेशा माइनस वन और प्लस वन के बीच में लाइज करती है, और जो एंगल होते हैं वो जीरो से पाई तक होता है, जीरो से पाई तक, क्योंकि कोस जीरो की जो वैल्यू होती है वो वन होती है और कोस पाई की जो वैल्यू होती है वो माइनस वन होती है, तो हमेशा इसी के बीच में लाइज करेगा। और हम अगर माइनस वन से प्लस वन के बीच में अगर अलग अलग वैल्यूज लेते हैं तो हमको जो
इमेजेस मिलेगी वो जीरो से पाई तक की मिलेगी और कोई भी वैल्यूज रिपीट नहीं होगी। इस तरह से ये पोस्ट जो फंक्शन है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाता है और ये फंक्शन जो है ये 1 1 2 भी होता है। और 1 1 2 को एक तरह से बाइसेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। जो फंक्शन 1 1 2 होता है उसे हम बाइसेक्टिव फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उस चीज को बहुत अच्छे से डीप में जाके कवर करेंगे। मैंने साइन के पोस्ट के नाम बताया, आप इनका थोड़ा सा फंडा समझो, कोडोमेन रेंज का फंडा समझो। मैं आगे कोस कोसेक सेक टैन और कोट इन चीजों को कवर करूंगा अगले लेक्चर में, इंट्रोडक्शन पार्ट थर्ड में आप देखिएगा। और कोई भी मैं अगर कुछ कोई भी टॉपिक में अगर तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, आप चाहो तो नोट कर लो।